पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई है। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश के लाखों नौजवान हताश और निराश होकर जीवन जी रहे हैं। और दुखद बात यह है कि आत्महत्या के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों राजगढ़ के युवाओं के मध्य प्रदेश शासन और बेरोजगार की बात रखते हुए आत्महत्या कर ली थी। कई घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में जो भी सभी अधिकारी हैं उनसे तो चर्चा करने के लिए भोपाल गए थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से पुलिस बल द्वारा बर्बरता दिखाई गई यह बहुत ही निंदनीय है। कई सारे युवाओं को गंभीर चोटें आई है और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, साथ ही अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। 18 अगस्त को भोपाल में बेरोजगार युवा संगठन द्वारा मुख्यमंत्री से मांग को लेकर, मुख्यमंत्री जी से मांग थी कि वैकेंसी निकाली जाए, उसको संदर्भ में लेके पूरे मध्य प्रदेश से बेरोजगार युवा भोपाल गए थे, परंतु वहां पर बेरोजगार युवाओं को भोपाल में अलग अलग स्थानों पर बड़ी व्यवस्था से उन पर लाठीचार्ज किया गया तथा अपशब्दों का उपयोग किया गया, जिसमें काफ़ी युवाओं को चोट आई है। हमने राज्यपाल महोदय को के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की गई है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और मध्य प्रदेश सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कपिल पवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।